हेलो एवरी वन ए वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू हाउ आर यू आई होप यू आर आर फिट एंड फाइन एंड योर स्टडीज मस्ट बी गोइंग वेल सो फ्रेंड्स दिस इज़ नेक्स्ट प्रैक्टिस सेशन ऑफ वो कैब ओके इन टूडेस वीडियो वी आर गोइंग टू लर्न सम न्यू वर्ड सम डिफ़िकल्ट वर्ड्स एंड डर मीनिंग ओके सो प्लीज़ वॉच केयरफुली ओके फ्रेंड्स और मैं बार बार कहती हूँ आपको कि स्कोर अच्छा करना है तो आपको वो कैब पर सबसे ज़्यादा ध्यान देना होगा ठीक है कोई भी ऐसा वो कैब ना छूटे जो कि एग्जाम में आने वाला हो और आपसे सॉल्व ना हो पाए सो इफ यू वांट टू स्कोर मोर देन यू हैव टू प्रैक्टिस मोर ओके सो फ्रेंड्स आपको जो निराश है उनके लिए कहना चाहूँगी कि धैर्य रखें सफलता जरूर मिलेगी एक बार अपने फील्ड के पक्के खिलाड़ी तो बन के देखिए ओके okay? सफलता आपको जरूर मिलेगी सो लेट स्टार्ट द फर्स्ट वर्ड इज पैरिटी पैरिटी मीन्स इक्वालिटी ओके स्पेलिंग भी देखते जाएंगे पी ए आर आई टी वाई पैरिटी मीन्स इक्वालिटी यानी कि समानता समानता किसी चीज़ में उसे हम बोलते हैं पैरिटी इसका अपोजिट भी देख सकते हैं डिस्पैरिटी डिस्पैरिटी मीन्स इनक्वालिटी ओके इसका अपोजिट इसका, इसका भी मीनिंग साथ में साथ ही समझते जाएंगे सेकेंड वर्ड है डिसपैरेजमेंट डिस्पैरेजमेंट मीन्स बी लिटिलमेंट किसी का तिरस्कार ठीक है तिरस्कार या किसी को नीचा दिखाने का भाव जो होता है किसी को छोटा समझना नीचा दिखाने का भाव उसे बोलते हैं डिसपैरेजमेंट या बी लिटिलमेंट स्पेलिंग में देखेंगे डी आई एस पी ए आर ए जी ई एम ई एन टी ओके स्पेलिंग एरर के क्वेश्चन भी यहीं से आपको मिल जाएंगे थर्ड वर्ड इज पियर पियर मीन्स वंस इक्वल स्पेलिंग देखेंगे पी डब्ल्यू आर पी आर पीयर मीन्स वंस इक्वल यानी कि किसी के समान जैसे हिंदी में बोल सकते हैं समकक्ष समकक्ष व्यक्ति जो होते हैं चाहे उम्र में हो चाहे पद में हो तो समकक्ष के लिए हम यूज़ करेंगे पेयर ओके नेक्स्ट वर्ड इज़ इक्विवोकेशन इक्विवोकेशन मीन्स पर्पजलेसली वैग ओके यानी कि अस्पष्टता जब भाषा में या फिर किसी चीज़ में अस्पष्टता हो तो उसे हम बोलते हैं इक्वी ओके इसे हम बोल सकते हैं द्विअर्थी भी बोल सकते हैं और इसमें पर्पजलेसली वैर यानी कि जान बूझ करके इसमें अस्पष्टता लाया जाता है ठीक है जैसे आपने लिटरेचर में देखा होगा कि जान बूझ करके द्वि बात की जाती है जान बूझ करके इसमें अस्पष्टता लाई जाती है नेक्स्ट वर्ड देखेंगे ये भी कुछ कुछ ऐसा ही है एम्बिग्यूटी इसका स्पेलिंग भी देख लेंगे ई क्यू यू आई वी ओ सी ए टी आई ओ एन इक्वी वोकेशन नेक्स्ट वर्ड इज़ एम्बीग्यूटी ए एम बी आई जी यू आई टी वाई एमबीग्यूटी मीन्स होता है एक्सीडेंटली वैग एम्बीग्यूटी का मतलब ये होता है अस्पष्टता लेकिन दोनों में अंतर यह है कि ये पर्पजलेसली वैग होता है यानी कि जानबूझ करके इसमें अस्पष्टता लाई जाती है और इसमें एक्सीडेंटली अकस्मात ही इसमें शब्दों में भाषा में अस्पष्टता आ जाती है ठीक है आई होप इन दोनों में अंतर आप समझ पाए होंगे इक्वीवोकेशन का मतलब होता है जानबूझ करके ऐसी बातें करना जिसका दो अर्थ निकले ठीक है एंड एम्बिक्यूटी मीन्स भी होता है अस्पष्टता और इसमें जानबूझ करके नहीं बल्कि अकस्मात ही इसमें जो भाषा होती है शब्द होते हैं उसमें अस्पष्टता आ जाती है आगे देखेंगे इक्विटी ई क्यू यू आई टी वाई इक्विटी मीन्स फेयरनेस या जस्टिस न्याय या तर्कसंगत न्याय संगत तर्क संगत जो बात होती है उसके अर्थ में हम यू, यूज़ कर सकते हैं इक्विटी आगे देखेंगे इनइक्विटी अब इनइक्विटी को आप इसका अपोजिट नहीं समझेंगे ठीक है इसका जो अपोजिट होगा इन इक्विटी होगा यहाँ पे आई के जगह ई होगा ठीक है इक्विटी मीन्स फेयरनेस या जस्टिस और इनइक्विटी आई एन लगा के आई एन क्यू यू आई टी वाई इन इक्विटी मीन्स होता है अनफेयरनेस या अनजस्टिस लेकिन यह वर्ड जो है इसका अपोजिट नहीं बल्कि यह इस वर्ड का अर्थ कुछ और है ठीक है क्योंकि यहाँ पे आई है ना कि ई है ओके अगर यहाँ पे ई होता तो इसका अपोजिट हो जाता है आगे देखेंगे इनिक्विटी आई एन आई क्यू यू आई टी वाई इनिक्विटी मीन्स सीनफुलनेस या इमोरल एक्ट या सीन इनिक्विटी मीन्स होता है कि अधर्म बोल सकते हैं हिंदी में बोल सकते हैं अधर्म या फिर अनैतिक जो क्रियाकलाप होता है पाप होता है उसे हम बोल सकते हैं इनिक्विटी आई एन आई क्यू यू आई टी वाई ओके नेक्स्ट वर्ड इज इक्विनोक्स्यू यू आई एन ओ एक्स इक्विनोक्स मीन्स टाइम वैन नाइट एंड डे आर ऑफ इक्वल लेंथ एक ऐसा समय जब रात और दिन जो होते हैं वो इक्वल लेंथ के होते हैं बराबर लेंथ के होते हैं हिंदी में हम इसे बोलते हैं विशुभ ओके विशुभ इक्वीनॉक्स आगे देखेंगे नॉक टर्न एन ओ सी टी यू आर एन ई नॉक टर्न मीन्स नाइट म्यूजिक रात्रि का जो दृश्य होता है या रात्रि का जो म्यूजिक संगीत होता है उसे बोल सकते हैं नॉक टर्म नेक्स्ट वर्ड इज़ इक्वानिमिटी ये वर्ड पहले भी आ चुका है जब वर्ड कोई भी वर्ड दो बार तीन बार रिपीट हो जाता है तो वो वर्ड भूलता नहीं है ठीक है वो याद हो जाता है इक्वनिमिटी स्पेलिंग देखेंगे ई क्यू यू ए एन आई एम आई टी वाई इक्वानिमिटी मीन्स बैलेंस ऑफ माइंड माइंड का जो संतुलन मस्तिष्क का संतुलन जो होता है उसे हम बोलते हैं बैलेंस ऑफ माइंड या इक्वेनिमिटी ओके यानी कि बोल सकते हैं शांत स्वभाव का शांत चित्त धीरज ओके okay? उस अर्थ में यूज़ कर सकते हैं इक्वेनिमिटी नेक्स्ट वर्ड इज इक्विलिब्रियम ई क्यू यू आई एल आई बी आर आई यू एम इक्विलिब्रियम मीन्स बैलेंस संतुलन दो अपोजिट चीज़ों के बीच में जब संतुलन होता है उस अर्थ में हम यूज़ करते हैं इक्विलिब्रियम ओके ध्यान रखेंगे इक्वी लिब्रिस्ट ई क्यू यू आई एल आई बी आर आई एस टी इक्वी लिबरिस्ट मीन्स टाइट रोग वॉकर यानी कि जो नट होते हैं जो रस्सी पर चलते हैं तो वो भी कहीं ना कहीं बैलेंस बना के ही वो रस्सी पर चलते हैं तो नट को हम इंग्लिश में बोलते हैं जो रस्सी पर चलते हैं इक्वी लिब्रिस्ट ओके लास्ट वर्ड इज इक्वाइन ई क्यू यू आई एन ईक्वाइन मीन्स ए हॉर्स यानी घोड़ा या घोड़े जैसा या घोड़े से संबंधित जो भी चीज़ें होती हैं उसे हम बोलते हैं इक्वाइन तो ये रहे ये जो भी वर्ड्स हैं इनको आप एक से दो बार वीडियो देखेंगे तो बिल्कुल आपको याद हो जाएंगे कोशिश यही रहती है कि सबसे इजी से इजी लैंग्वेज में आपको समझाना ताकि आपको पढ़ने में भी बोरियत ना हो और एक से दो बार आप देखें तो बिल्कुल आपको याद हो जाए तो एक बार फिर मैं कहूँगी कि पी टी, -टी इंग्लिश में ज़्यादा से ज़्यादा नंबर आपको स्कोर करना है तो सबसे ज़्यादा आपको ध्यान वो कैब पर ही देना है वो कैप को ही लोग इग्नोर कर देते हैं और सबसे ज़्यादा स्कोर आपका यही दिलाएगा ठीक है तो इसको इग्नोर ना करें और जो भी समय बचा हुआ है आप पेशेंस रखें एंड आप प्रैक्टिस जितना लगा सकते हैं प्रैक्टिस लगाइए प्रैक्टिस सेट को सॉल्व कीजिए और जो भी कंटेंट मेरे चैनल पर भी आ रहे हैं उनको आप देखते जाएं और डेफिनेटली यू कैन गेट सक्सेस ओके जैसा मैंने पहले भी कहा कि एक बार अपने फील्ड के पक्के खिलाड़ी तो बन के देखिए सफलता कैसे नहीं मिलेगी बिल्कुल मिलेगी आपको तो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो टिल देन थैंक्स फॉर वॉचिंग